शुरुआत है वो अभी थोड़ी देर और लग सकती है, क्योंकि नेता तो यहाँ पहुंच चुके हैं। स्वर्ण सिंह पंडेर की बात करें, अभिमन्यु की बात करें, या दूसरे जो नेता हैं जत्थेबंदियों के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वो बैठक कर रहे हैं। मार्च निकालने से पहले आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। किसान हालांकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं हुए हैं अभी। अलग अलग ग्रुप्स के अंदर किसान खड़े हैं, क्योंकि जो तापमान है वो भी 43-44 डिग्री तापमान है, बड़ी भारी धूप है और गर्मी है, तो इस वजह से अलग अलग जगह छांव देख करके और किसान खड़े हैं। और जैसे ही जो किसान आगू हैं वो जब बाहर निकल करके आएंगे तो उनके नेतृत्व के अंदर ये पूरा इंसाफ मार्च निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर मीठे पानी की छबील भी लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने की कि मीठे पानी की छबील के द्वारा दी जा रही है। तो लेकिन जब किसानों नेता जो हैं वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद ही ये इंसाफ मार्च शुरू होगा, और जो सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के पक्ष में निकाला जाएगा, एसएसपी ऑफिस तक ये जो इंसाफ मार्च है ये निकाला जाएगा। पुलिस के भी हालांकि पुख्ता इंतजाम यहाँ करे गए हैं, पुलिस भी बड़ी भारी संख्या के अंदर यहाँ आई हुई है और बैरिकेटिंग लगा रखी है। अब क्या सभी किसानों को वहां तक जाने दिया जाता है या फिर बीच में ही रास्ते में रोक करके 3-4 जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसको एसएसपी ऑफिस तक जाकर के मांग पत्र सौंपने को कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो किसान हैं वो यहां लगातार खड़े हुए हैं और वो खड़े होकर के अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं अपने अपने, क्योंकि अभी जो और दूसरे जो किसान नेता जो प्रमुख किसान नेता हैं वो अभी अंदर बैठक कर रहे हैं, अंदर उनकी बैठक चल रही है। तो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आप देखने को तस्वीरों में देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी इकट्ठा होकर के चलेंगे तो उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा समय नजर आता है कि थोड़ी देर के समय के बाद वो यहां से निकलते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि बैनर जो हाथ में ले रखा है उसमें भी जो सीआईएसएफ कांस्टेबल है कुलविंदर कौर उसकी फोटो जो है वो बाकायदा लगा रखी है और उसके साथ इंसाफ मार्च निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो एक आह्वान किया गया था 9 तारीख को कि 9 तारीख को द्वारा आम साहिब पहुंचे हैं और वहां से इंसाफ मार्च एसएसपी ऑफिस तक निकाला जाएगा, तो कुछ ही देर के अंदर इसकी शुरुआत होगी और वहां जाकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी के अंदर ही हम मौजूद हैं, तो अभी यहां पुलिस की बड़ी भारी इंतजाम हैं और अभी ऐसा नहीं लगता कि सब के सब किसान ने जो इकट्ठे हुए हैं जत्थेबंदियां इकट्ठी हुई है उन सबको एसएसपी ऑफिस तक जाने दिया जाएगा, यही बैरिकेटिंग करा करके और यही उनको रोका जाएगा और उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल है वो ही एसएसपी ऑफिस तक जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही नजर आ रहा है और उसके बाद क्योंकि इसीलिए कोई डाइवर्शन अभी ऐसा नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा आम साहिब के सामने भी जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चालू है, जैसे हर रोज रहता है वैसे ही चालू है। तो यहां से भी कोई ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता है वैसे ही चल रहा है। लेकिन जब किसान बाहर निकलेंगे उसके बाद क्या रूट रहता है वो अभी देखना होगा। जी नहीं, अभी जो है वो कुलविंदर कौर को इंसाफ दिलाने के लिए ही ये जो पूरा जो मामला है जो सदा गया है और यहाँ बुलाए गए हैं सारे किसान बुलाए गए हैं, तो उनको अभी यही एक मांग है कि कुलविंदर कौर के साथ ना इंसाफी ना हो। और कहीं ना कहीं दबी आवाज के अंदर जो किसान जो हम बात कर रहे थे तो वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर भविष्य के अंदर वो चुनाव लड़ सकती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं चर्चाएं चल पड़ी हैं। एक जब कहीं ना कहीं विवाद हुआ है तो विवाद के बाद चर्चाओं का दौर गर्म है कि कुलविंदर कौर का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें और एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह से फेवर में है और उनका यही कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि कंगना ने जिस तरह की भाषा किसानों के लिए इस्तेमाल की थी तो वो एक गुस्सा था और गुस्से का वो रिएक्शन जो है वो हुआ था। हालांकि किसान ये भी कहते हुए नजर आए कि थप्पड़ मारना कहीं भी जायज नहीं है, लेकिन जो है थप्पड़ का गुस्सा कितना इसके पीछे रहा होगा वो एक भी सोचने की बात है।